हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी 8 यूनिट बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी में उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। यूनिट 8 का जो नाम है वो है पैलनोलॉजी। तो सबसे पहले पैलनोलॉजी क्या होता है? ऐसा साइंस जो भी कंसर्न करता है स्टडी ऑफ पॉलन और स्पोर्ट्स को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलनोलॉजी कहते हैं। जो टर्म है पैलनोलॉजी, इसको हाइट्स और विलियम्स ने दिया था 1945 में। पॉलन ग्रेन जो होता है, अगर विदाउट एपरेचर होता है तो उसको एट्रीम कहते हैं। एपरेचर जो होता है, अगर वो प्रॉक्सिमल फेस पे है तो उसे केटाट्रीम कहते हैं, अगर डिस्टल फेस पे तो उसे एनाट्रीम कहेंगे, और अगर वो पोजीशन में इक्वेटर पे तो उसे जोनोट्रीम कहते हैं। फार्मेकोपैलनोलॉजी, इसमें क्या होता है? स्टडी किया जाता है पॉलन ग्रेन का ड्रग्स टैबलेट इस टीसी में। इलेक्ट्रोपैलनोलॉजी, इसमें क्या होता है? स्टडी किया जाता है पॉलन ग्रेन का इन कनेक्शन विद एलर्जी, जो भी एलर्जी होगा उसका स्टडी किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोपैलनोलॉजी में किया जाता है। मेलिटोपैलनोलॉजी, इसमें क्या होता है? स्टडी किया जाता है एवरीथिंग अबाउट पॉलन फाउंड इन हनी। एरनोपैलनोलॉजी जो होता है, स्टडी होता है पॉलन का जो भी फाउंड होता है एयर में, तो उसका स्टडी किया जाता है, तो उसको कहते हैं एरोपैलनोलॉजी। जो पब्लिकेशन है पॉलन मार्फोलॉजी और प्लांट टैक्सोनॉमी का, इसको इडट मैन ने दिया था 1952 में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।